हेलो बच्चों, आज हम अपने एडजेक्टिव की फोर टाइप शुरू करेंगे। फोर टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन है, दीज आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट अ पर्सन थिंग और एनिमल। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। इसमें बुक जो है, बुक है, बुक नाउन है, जिससे तुरंत पहले जो दिस लगा हुआ है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है जिस नाउन का जिक्र किया हुआ होता है उसी की ओर संकेत करते हैं, और मोस्टली एडजेक्टिव जो है नाउन से तुरंत पहले लगे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है दीज मैंगोज आर सॉर, ये आम खट्टे हैं। तो इसमें मैंगोज नाउन है और इससे जो तुरंत पहले जो दीज लगा हुआ है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दैट बॉय इज वेरी ब्रेव, वह लड़का बहुत बहादुर है। तो बॉय इसमें नाउन है और नाउन से तुरंत पहले दैट लगा हुआ है, तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कि बॉय नाउन की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है इसकी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन है व्हाट विच एंड हुज, व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, जब इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग, व्हाट विच और हुज का, ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, जब इनका प्रयोग नाउन से तुरंत पहले किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, वैसे ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, दीज आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन जब इनका प्रयोग जो है नाउन से तुरंत पहले किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है, तो इसमें बुक नाउन है और नाउन से तुरंत पहले लगा हुआ है हुज क्वेश्चन वर्ड, तो क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट में है व्हाट मैनर ऑफ मैन ही, सॉरी इज ही, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, तो इसमें मैनर क्या है, नाउन है और मैन भी मैन नाउन है। ठीक है, इसमें मैन नाउन के आगे यूज किया गया है व्हाट, तो व्हाट क्या बन गया इसमें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं आपको फियर नोटबुक में नोट करनी है, और लेसन जैसे बुक में हमारी वर्कशीट नहीं लगी हुई है ग्रामर की, तो आपको क्या करना है, जो लेसन अभी कंप्लीट हुआ है लेसन 5, उसमें से आपको पहले दो पेजेस में से सभी एडजेक्टिव्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उन्हें रफ नोटबुक में लिखना है, और सभी को फिर बाद में क्लासीफाई करना है कि कौन से उनमें जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, कौन से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, और कितने उनमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। आज इतना करना है आपको। ओके।